हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जूलॉजी के। और जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है आपका जेनेटिक्स, और 21 से 22 का जो सेशन है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए, साथ ही साथ में जो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए मान्य है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है सुपर मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप जैसा कि आप सभी को बताए कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से हमेशा ही क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप फर्स्ट ईयर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो, और 100% फर्स्ट क्लास पास होने की गारंटी है। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो मैं हूँ सोनम जैन, चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है अनुवांशिकता तथा जेनेटिक पदार्थ, इन्हें हेरिडिटी एंड जेनेटिक जो मटेरियल है उसको रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले डीएनए के वाटसन एंड क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, न्यूक्लियोसोम्स और डीएनए की पुनरावृत्ति यानी कि रिप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेंडल के अनुवांशिकी नियमों को समझाइए, आरएनए की संरचना का वर्णन करते हुए कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए टाइप ऑफ आरएनए को समझाइए, विभिन्नता को संक्षिप्त में समझाइए। और अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, जेनेटिक कोड। और अगर इसकी अगर हम बात करें, इस यूनिट का नाम है जीन अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशंस, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड पर एक निबंध लिखिए। मतलब जेनेटिक कोड से रिलेटेड आपको सारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कर लेने, क्योंकि जेनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए। अनुलेखन की परिभाषा दीजिए, प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन की क्रिया को समझाइए। नेक्स्ट है ओपेरन मॉडल को विस्तार से समझाइए और टिप्पणी लिखिए, जैसे कि स्प्लिट जीन, स्यूडो जीन और लास्ट में आपका ओवरलैपिंग चेन। अब आ जाती है आपकी यूनिट नंबर थर्ड, संलग्नता व गुणसूत्री विघटन। अगर हम बात करें, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे। राइट गाइज, और कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया तथा महत्व का वर्णन कीजिए, मनुष्यों में पाए जाने वाले विभिन्न अनुवांशिकी गुणों का वर्णन कीजिए, म्यूटा जेन किसे कहते हैं, स्थानांतरण व प्रतिलोमन क्या होते हैं, उत्परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए और निम्न पर टिप्पणी लिखिए, संलग्नता, लिंग निर्धारण गुणसूत्र सिद्धांत, वर्णांधता और सेक्स क्रोमोसोम, और लास्ट है आपका हीमोफीलिया। अब यूनिट नंबर आ जाती है आपकी फोर्थ, मानव अनुवांशिकी यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स, और टिप्पणी लिखनी है आपका सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनियम और थैलेसीमिया। नेक्स्ट है आपका बहुकारक तथा मानव रक्त समूह पर टिप्पणी लिखिए, अनुवांशिकी बीमारियां क्या है उदाहरण देकर समझाइए, जेनेटिक अभियांत्रिकी, रिकॉम्बिनेट डीएनए यानी कि आर डीएनए टेक्नोलॉजी के महत्व को समझाते हुए प्लाज्मिड से आरएनए आर डीएनए निर्माण को समझाइए। नेक्स्ट है निम्न को समझाइए, जीन क्लोनिंग और जीन थेरेपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग लिखिए, साथ ही साथ में डीएनए फिंगरप्रिंट का पूरा क्वेश्चन कर लेना क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस यूनिट। और नेक्स्ट है आपका रिकॉम्बिनेट डीएनए यानी कि आर डीएनए के निर्माण में लिंकर्स का क्या उपयोग है, वेक्टर्स क्या है, जीन क्लोनिंग में प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में उपयोग का वर्णन कीजिए और निम्न पर टिप्पणी लिखिए, संदर्भ सदर्न व नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।